अभी तकरीबन हमारी आवाम सोचती है कि यार हमारे कहीं ना कहीं से पर लग जाए और हम उड़े और पहुंच जाए सीधा दुबई। भाई दुबई आने को कोई मना नहीं कर रहा, दुबई आओ, लेकिन यहाँ पे आके करोगे क्या? वो तो प्लान कर लो सबसे पहले। भाई कहीं जाने से पहले उसकी एक प्लानिंग होती है, एक तैयारी होती है। सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं, उम्मीद है घर में सब ठीक ठाक होगा। तो भाई सबसे पहले एक बात बताता चलूं, जो मैं आपको सब्सक्राइब करने का कहता हूं वो उन लोगों को कहता हूं जो मेरे चैनल पे नए आए हैं। जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो कमेंट में आके कहते हैं कि भाई हमने सब्सक्राइब कर दिया। सर थैंक यू सो मच, आपने सब्सक्राइब किया, अब आप लाइक और शेयर कर दें। बाकी जो नए वाले लोग हैं ना उनको तो कॉल देनी पड़ेगी, क्योंकि हम मासूम अवाम है ना, पता है तो मैंने आपको, भूल जाते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। तो भाई जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, हमारी वीडियो का उसूल है। कर दिया सब्सक्राइब, चलें आगे बढ़ते हैं। आज जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ वो तकरीबन हमारी आधी आवाम का मसला है, और मैं काफ़ी दफ़ा इस बात पर डिस्कस भी कर चुका हूँ। आई थिंक शायद वो आप लोगों ने सुनी नहीं है क्योंकि मेरे पास ये सवाल बार बार आ रहा है। तो पहले कमेंट पढ़ते हैं, और कमेंट पढ़ने के बाद फिर इस पर तफसीलन बात करता हूँ मैं आपसे। ये कमेंट आया है हमारे एक भाई का, ये कहते हैं आई कैन डू दीस वर्क्स, टीचिंग, सिक्योरिटी ऑफिसर सर्विसेज, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कंप्यूटर ऑपरेटर, जस्ट नीड प्रॉपर गाइडलाइन, सो मे आई रिज़ाइन फ्रॉम माई करंट जॉब। फिर उसी के बाद दूसरी वीडियो पे एक साहब ने कमेंट किया हुआ है, भाई मैं तो विजिट वीज़ा पर आया था, जॉब नहीं मिली, सब झूठ है। क्या बात है भाई। तो सरकार, सबसे पहले तो मैं आपको आपके सवाल के ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि सर आपने ये सवाल उठाया, और ये तकरीबन तकरीबन हमारी आवाम का मसला है। जो अभी दुबई आ रही है वो यही सोचती है कि मैं अपनी जॉब को रिज़ाइन करूँ, विजिट वीज़ा पे दुबई जाऊँ, वहाँ पे जॉब मुझे मिल जाएगी और मैं अच्छा कमाना शुरू हो जाऊँगा। तो इसी वजह से मैंने आपको दूसरा कॉमेंट भी पढ़वाया। वो कह रहे हैं कि मैं विजिट वीज़ा पर होकर जा चुका हूँ और उनको जॉब नहीं मिली, सबको झूठ है। क्यों? क्योंकि आप अभी वो काम करने जा रहे हो जो वो कर चुके हैं, वो आए हैं यहाँ पर बगैर प्लानिंग के, और आप भी वही काम करने जा रहे हैं। अब आप माशाल्लाह से, मुझे मैंने पढ़ा है इसके ऊपर, आप टीचिंग भी कर सकते हैं, आप सिक्योरिटी ऑफिसर भी बन सकते हैं, आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हैं, आप कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं। तो सरकार चार फील्ड्स में आप माशाल्लाह से मास्टर हैं, तो आप ये बताएं कि आप किसी एक फील्ड में आपके पास किस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, आपकी स्किल्स किस में ज़्यादा अच्छी हैं। पिछली वीडियोज़ में मैंने कम्प्लीटली स्किल्स के ऊपर बात की है। आप स्किल्स तो देखो, आप खुद क्या कर सकते हो, आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हो तो उसमें अप्लाई करो, उसके अंदर जान मार दो, लेकिन आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है या नहीं है। और सबसे बड़ा मसला, आप कह रहे हो कि आप जॉब रिज़ाइन कर दो, फॉर एग्जांपल आप दुबई आते हो और आपके 4-5 लाख रुपए लग जाते हैं पाकिस्तानी, और आपको जॉब ना मिले, अल्लाह ना करे, और होता है यहाँ पे बहुत से लोग को नहीं मिलती 2 महीने के अंदर जॉब। अब हुआ क्या, जो जॉब आप कर रहे थे वहाँ से तो आपने रिज़ाइन कर दिया, दुबई आए यहाँ पे भी जॉब नहीं मिली, तो वहाँ से भी हाथ धो बैठे, यहाँ से भी हाथ धो बैठे, अब आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो सर ये है गलत अप्रोच, आपने कुछ भी नहीं, आपने पाकिस्तान से अप्लाई करना है, ये आप तहैया कर लें। देखिए फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ पे आके अप्लाई कैसे करोगे? आप यहाँ पे आके जो अप्लाई करोगे वो आप अप्लाई करोगे वेबसाइट्स के थ्रू, नौकरी गल हो गया, डुबिजल हो गया, और इंडीड हो गया, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप अप्लाई करेंगे, लिंक्डइन से आप अप्लाई करेंगे। तो सर लिंक्डइन वाला प्लेटफॉर्म जो है ना वो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लिंक्डइन को थोड़ा सा समझें, उसको खोलें, उसको घोल के पी जाएं, उसमें देखें क्या क्या आप चीज़ें हैं, किन किन लोगों से रابطे किया जा सकता है, अपने कनेक्शंस बनाएं, अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, लोगों के साथ बातचीत करें, तो आपको मिलेगी सरकार नौकरी, मिलेगी, लोग बात करते हैं। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ये लिंक्डइन का जो है ना एक टॉपिक, ये अलग से डिस्कस किया जाए, लोगों को बताया जाए कि लिंक्डइन के ऊपर आपने अप्रोच कैसे करना है। तो वो मेरे ख्याल से दूसरी वीडियो होगी, उसमें मैं किसी एक प्रोफेशनल को साथ लेके बैठूंगा जिसका लिंक्डइन के ऊपर ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकता है। तो सर ये करें, देखें यहाँ पर आप आएंगे, आप जगह जगह CVs भेजेंगे, लोग कहते हैं कि आपका दुबई का नंबर जो है ना वो बड़ा मैटर करता है, कॉल उसके ऊपर आएगी, वो बात सही है, कॉल उसके ऊपर आती है, लेकिन अगर आप लिंक्डइन से पर्सनली भी लोगों से रब्ता करेंगे ना तो वो आपसे मैसेज पे बात करते हैं। करके तो देखें आप एक दफ़ा, आप यहाँ पे 2 महीने आएंगे ना, आप वहाँ से 6 महीने का टाइम लें, 6 महीने अप्लाई करें, 7 महीने अप्लाई करें, 8 महीने अप्लाई करें, जब 4-5 हज़ार जगहों पर आप अपनी CV ड्रॉप करोगे, यार कोई 2 तो जवाब देंगे ना, 2 या 3 का तो रिस्पॉन्स आएगा, वो आपसे एटलीस्ट बात करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी CV में ताकत कितनी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। पहले आप ये चीज़ करें, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा तो फिर आप प्लान करें
कि आप दुबई आके जॉब ढूंढेंगे, लेकिन उस प्लानिंग के लिए आपके पास फाइनेंशियल जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। आप अभी से पैसे जमा करना शुरू कर दें। आप ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 महीने के विजिट वीज़ा के ऊपर जॉब नहीं मिलती तो फिर आप उसको एक्सटेंड कराएंगे। लोग करते क्या है कि उनको जॉब नहीं मिलती 2 महीने में, वो चले आते हैं वापस, क्योंकि अब जहाँ जहाँ उन्होंने CVs ड्रॉप की हुई हैं वो कॉलिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं कि यार अब कॉल्स करके बुलाना शुरू करें। तो जब तक वो आपके पास कॉल आती है पाकिस्तान में होते हो, तो आपने उसको एक्सटेंड कराना है। समझ रहे हैं बात को? तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। आप पहले कोशिश करें पाकिस्तान से ठीक ठाक टाइम लगाएं, नहीं हुआ उसके बाद फिर प्लान के साथ आप यहाँ पर आएँ, फिर रिसर्च करके आएँ। आपकी अच्छी खासी रिसर्च होनी चाहिए यहाँ पर आने से पहले। आप जब यहाँ पर आएँ तो आपके 3-4 इंटरव्यूज ऑलरेडी लाइनअप होने चाहिए। यहाँ पर आप आएँ तो आते के साथ ही आपके इंटरव्यूज हो जाएँ। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पहले से प्लान करनी पड़ेंगी, वरना फ़ायदा नहीं है इधर आने का। अभी कुछ दिनों पहले ना मेरा दोस्त आया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसका, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। वहाँ से उसने जॉब से रिज़ाइन किया, यहाँ पे आके जॉब ढूंढी, नहीं मिली जॉब उसको। तो सर कभी कभी अच्छे एक्सपीरियंस वालों को भी जॉब नहीं मिलती, वो वक्त की भी बात होती है। फिर बीच में रमज़ान आ गया, तो अभी वो वापस गया है, आई थिंक वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ दोबारा आएगा। तो अभी उसने अपना एक बैकअप प्लान रखा हुआ है कि मैंने वापस आके फिर अप्लाई करना है। तो इसी अप्रोच के साथ आप भी चलिएगा। अगर आप ये सोच के आएंगे कि यार मैंने अभी फॉर एग्जांपल 5 लाख जमा करके रखे हुए और मैं दुबई जाऊँ वहाँ पे मुझे टक करके नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी खजल ख्वारी करनी पड़ेगी। ख्वारी करेंगे उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी है कि शायद जॉब मिल जाए, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि जॉब ना मिले तो आपको वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ेगा। तो इतना बैकअप बैलेंस अपने पास रखिएगा कि अगर वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ जाए तो फिर आप उसको कराएं। ये नहीं कि आप फिर वापस चले जाएँ और वहाँ पर जाके दोबारा से खाली हाथ हो जाएँ, क्योंकि यहाँ पे आप आ गए तो बस फिर गाड़ी आगे की तरफ जाएगी, गाड़ी को पीछे रिवर्स में नहीं जाने देना आपने। रिवर्स में गाड़ी गई तो आप उससे ज़्यादा बुरे हालात में आ जाओगे जो अभी हो आप। अभी तकरीबन हमारी आवाम सोचती है कि यार हमारे कहीं ना कहीं से पर लग जाए और हम उड़ें और पहुंच जाएं सीधा दुबई। भाई दुबई आने को कोई मना नहीं कर रहा, दुबई आओ, लेकिन यहाँ पे आके करोगे क्या? वो तो प्लान कर लो सबसे पहले। भाई कहीं जाने से पहले उसकी एक प्लानिंग होती है, एक तैयारी होती है। बगैर तैयारी के यहाँ नहीं आना दोस्त, परेशान हो गए और कुछ नहीं है। भाई मेरा 1 रुपया नहीं लग रहा आप इधर आओगे। मैंने सिर्फ आपको ये बोलना है, आपने मुझे 3-4 जॉब जो बताई है मैं बोल दूंगा यार फला फला जॉब है इसमें आके अप्लाई कर दो, उसका बड़ा स्कोप है। आप कल को बोलोगे हाँ यार फला शख्स ने मुझे बताया था, अब मैं पहुंच जाऊँ सीधा दुबई। दुबई आप आए, दुबई आके आप वो चीज़ ढूंढ रहे हो, कोई आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, आप बगोगे मुझे गालियाँ बाद में। तो सर मैं उस वाले थ्योरी पे नहीं चलता कि मैं सिर्फ अपने यूट्यूब की व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए लोगों को गलत गाइड करूँगा। भाई मैं ये काम जब से करना शुरू करा है मेरे सर पे जिम्मेदारी आ गई है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, मैंने नहीं सोचा था कि मैं दुबई गाइड इस तरीके से बनाऊंगा, मैं बस व्लॉगिंग कर रहा था। लेकिन जब मैंने देखा यार लोग परेशान हैं और उनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, तो उसके बाद फिर मैंने आपके सवालों के जवाब देना शुरू किए। व्लॉगिंग मैंने बिल्कुल साइड पर कर दिया अभी इस टाइम पर। अभी मेरे दिन में हर वक्त ये सवाल चल रहा होता है कि यार अब मैं कौन सा ऐसा सवाल है जिसको कवर करूं। तो माशाल्लाह से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं और लोग सवाल कर रहे हैं, तो बस वही सवालों को मैं जवाब दे रहा हूं। तो अभी मुझे कोई दूसरा कंटेंट बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, आप लोगों के सवाल ही माशाल्लाह इतने सारे हैं। तो उनमें से जो ये वाला सवाल जो है ना, जो लोग रिज़ाइन करके आ रहे हैं यहाँ पे अपनी जॉब से भी हाथ धो रहे हैं और यहाँ पे आके जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, ऐसा नहीं है सबको नहीं मिल रही, लोगों को जॉब्स मिलती हैं यहाँ पे, लेकिन मोस्टली जिनको जॉब्स नहीं मिल रही तो वो बेचारे और ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो भाई इस चीज़ से मैं आपको बचाना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुबई ना आओ, आप दुबई आओ, लेकिन आने से पहले प्रॉपर तैयारी करो। प्रॉपर तैयारी करने के बाद अपनी रिसर्च स्ट्रांग करो। यहाँ पर जब आप आओ तो आपके इंटरव्यूज लाइन अप होने चाहिए। ये 3-4 चीज़ों का आप ख्याल करो और उसके बाद आप बिस्मिल्लाह सामान पैक करो और सीधा टिकट कटाओ दुबई। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, सच में कितनी ताकत है भाई, छोटा सा चैनल है मेरा, कोई बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे, लेकिन फिर भी इतने कमेंट्स आ रहे हैं ना, उनको रिप्लाई करने का टाइम नहीं है मेरे पास। मेरी एक प्रोफेशनल लाइफ भी है यहाँ पे, जिसकी वजह से मैं दुबई में हूँ, जहाँ जॉब कर रहा हूँ वो लोग मुझे इस काम के पैसे दे रहे हैं, तो वो काम जो है ना मुझे टॉप प्रायोरिटी के अंदर रखना है। वो काम ख़त्म करता हूँ, उस काम को ख़त्म करने के बाद फिर आप लोगों से बातें करता हूँ। फिर कुछ लोग आते हैं हमारे और कमेंट में लिखता है कि भाई कि आप भी वही जो सिर्फ लड़कियों को रिप्लाई करते हो। तो भाई मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 90% मेल है और 10% फीमेल है। खैर मुझे आपको जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे लोग हैं उनको पता है मैं क्या काम कर रहा हूँ, और बाकी सिला देने वाली ज़ात अल्लाह की है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये आप लोगों के भले के लिए कर रहा हूँ कि कोई ना कोई बंदा उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे उसका भला हो जाए, उसके पैसे बच जाए, उसका टाइम बच जाए
और उसको सही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अभी इंटरनेट पे नहीं मौजूद, सब के सब किताबी बातें कर रहे हैं। इसी के साथ वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, तो भाई दुआ में एक दफ़ा ज़रूर याद रख लेना। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।